गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। हाँ बहुत अच्छा बेटे। तो अन्य दिनों की अपेक्षा फिर से आज हम आपके अतीत से वर्तमान पुस्तक के अध्याय 6 का जो टॉपिक है जीवन के विभिन्न आयाम, उस पर हम चर्चा करेंगे। पुनः हमारे पास 10 प्रश्नों का संकलन है और आज हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। हमें आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग आज पढ़ाई करके आए होंगे और पिछले कक्षा के बाद ही आज भी अच्छी तरह से जवाब देकर मुझे काफ़ी खुशी देंगे। और आइए अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है बेटा कि ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के नाम क्या थे? इंद्र, अग्नि और सोम। बहुत अच्छा जवाब, जोरदार तालियां के लिए। हाँ सही जवाब इन्होंने बताया। ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के नाम जो थे बेटे, इंद्र, अग्नि और सोम। इंद्र जो है युद्ध का देवता माना जाता था। किसका देवता माना जाता था? युद्ध का देवता माना जाता था। और अग्नि जो है वो आग का देवता। अग्नि किसका देवता माना जाता था? आग का देवता माना जाता था। और सोम जो है, सोम एक विशेष प्रकार का पौधा होता था, इससे जो है रस निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? रस। तो ऋग्वैदिक कालीन देवता इन्हीं के नाम पर थे, इंद्र, अग्नि और सोम। अगर हम आज की बात करें तो आज के विभिन्न हिंदू देवी देवताओं के नाम जैसे लक्ष्मी, दुर्गा, काली, सरस्वती, ये विभिन्न जो है जैसे बजरंगबली, ये हिंदू देवी देवताओं के नाम है। लेकिन हम ऋग्वैदिक कालीन में देखते हैं तो देवताओं के नाम बिल्कुल भिन्न हैं। बहुत अच्छा। आज हम दूसरा प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। आर्य भारत में कितने सामाजिक वर्गों में विभाजित थे? आर्य भारत में तीन सामाजिक वर्गों में विभाजित। तो कौन कौन थे बेटा? योद्धा, पुरोहित, योद्धा, पुरोहित और साधारण। वेरी गुड, योद्धा, पुरोहित और साधारण। जोरदार तालियां के लिए भी। योद्धा, पुरोहित और साधारण लोग। तो योद्धा का काम क्या था बेटा? ये लड़ाई करते थे, ये समाज के सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये लड़ाई का काम किया करते थे। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए हम तीसरा प्रश्न लेते हैं कि ऋग्वेद में समाज कितने वर्णों में बटा हुआ था? चार वर्णों में। कौन कौन सा वर्ण बेटा? वेरी गुड, जोरदार तालियां के लिए। ऋग्वेद में जो है समाज चार वर्णों में बटा हुआ था, जो इस प्रकार है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बेटे तो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ हम ये बताना चाहते हैं, ये जो चार वर्ण थे वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, ये पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाए थे। ठीक है, ब्राह्मण का काम आपको पता है ज्ञान बांटना। ठीक है, क्षत्रिय जो राजन्य कहलाते थे, लड़ाई करना, लड़ाई का काम करते थे। वैश्य खरीद बिक्री सामान को इधर से इधर खरीद के बेचना, ये वैश्य का काम होता था। और शूद्र जो है बाकी बचे हुए काम, तीनों लोगों का जो है सेवा करते थे। कौन? शूद्र। ये तो ये चार वर्ण मैंने बताया आपको। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में राजन्य किसे कहा जाता था? क्षत्रिय योद्धा। किनको बोला जाता था? क्षत्रिय योद्धा। वेरी गुड, जोरदार तालियां के लिए। क्षत्रिय या योद्धा, बहुत अच्छा। चलिए आइए हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में लोगों का मुख्य पेशा क्या था? कृषि। वेरी गुड, कृषि, जोरदार तालियां के लिए भी। कृषि,
उत्तर वेदिक काल में लोगों का मुख्य पेशा कृषि था। यहाँ पर हम एक चीज बताना चाह रहे हैं बच्चों कि मैंने ऋग वैदिक काल में पढ़ा था कि वहां पर लोगों का मुख्य पेशा क्या था ऋग वैदिक काल में? कृषि नहीं, ऋग वैदिक काल में पूछ रहे हैं लोगों का मुख्य पेशा क्या था? पशुपालन। वेरी गुड, ऋग वैदिक काल में पशुपालन था और उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? कृषि। यानी पहले की अपेक्षा लोग और अधिक अच्छे ढंग से रहना शुरू कर रहे थे उत्तर वैदिक काल में। उत्तर का मतलब बाद में, ठीक है। ऋग वेद के बाद का जो काल आया वो क्या काल आया? उत्तर वैदिक काल। तो पहले लोग ऋग वैदिक काल में पशुपालन करते थे और उत्तर वैदिक काल में कृषि का कार्य करने लगे, ठीक है। बहुत अच्छा, समय का ध्यान है पढ़ाई की तरफ, ठीक है। हम अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। इन वैदिक काल में एक बहुत बड़ा बदलाव आया बच्चों धातु के क्षेत्र में। आइए हम देखते हैं इससे संबंधित एक प्रश्न बच्चों। लौह युग का आरंभ कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। लौह युग का आरंभ कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। वेरी गुड, जोरदार ताली इनके लिए। उत्तर वैदिक काल में। अब ये क्या बात है, अपने बटन उटन ऊपर का नहीं लगा, क्या बात है? हाँ नहीं नहीं, ये बात गलत बात है, ठीक है। बटन तो लगाना चाहिए क्या? नहीं अच्छा नहीं लगता क्लास में ना, वो आगे वाला बेंच पे बैठे हुए हैं, तो कल देखो कि आईना वगैरह देख के आना, ठीक है, कि बटन मेरा ठीक है कि नहीं, बाल मेरा ठीक है कि नहीं, ठीक है, कहीं कपड़े में दाग तो नहीं लगा हुआ है। इन सभी चीज़ को हम लोग को देखना चाहिए, ठीक है, तभी क्लास में, ठीक है। बहुत अच्छा है, उन्होंने जवाब दिया। चलिए सातवा प्रश्न लोग देखते हैं। उत्तर वैदिक कालीन किन पुरास्थलों में लोहे के अस्त्र शस्त्रों के प्रमाण मिले हैं? हाँ हाँ, बहुत सुंदर जवाब, जोरदार तालियों के लिए बेटे। उत्तर वैदिक कालीन पुरास्थलों में हम लोहे के जो है अस्त्र शस्त्रों का प्रमाण देखने लगते हैं। कुछ ऐसे जगह हैं जहां प्रमाण मिले हैं, वो कौन कौन से जगह हैं? आलमगीरपुर, अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर, ठीक है। तो इन जगहों में जो है हमको लोहे के प्रमाण मिलने लगते हैं, तभी हम कह रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में लोहे का जो है अस्त्र शस्त्र बनने लगा, लोग प्रयोग। इससे क्या फायदा हुआ आप बताओगे? लोहे के प्रमाण शुरू होने से क्या हुआ बेटा, कि जंगल की सफाई तेजी से होने लगी। पहले लोग पत्थरों का इस्तेमाल करते थे जंगल को हटाने के लिए, लेकिन जब लोहे का आविष्कार हो गया तो जंगलों की सफाई बड़ा तेजी से होने लगा और लोग जमीन को खेत में बदलने लगे और लोग खेती करना शुरू कर लगे। ये हुआ लोहे का फायदा, ठीक है बेटे। गप नहीं करते, फालतू बात नहीं करते, ठीक है। हाँ देखे, प्रश्न नंबर 8 की हम चर्चा करेंगे। वैदिक काल में चार वर्णों का वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के कुल सूक्त में। वेरी गुड, ऋग्वेद, जोरदार ताली इनके लिए। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जो है चार, हाँ पुरुष सूक्त में चार वर्णों का वर्णन मिलता है। बहुत अच्छा जवाब। चलिए 9 नंबर प्रश्न लोग देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के लोगों में मकान किस चीज के होते थे? किसके जिसका? हाँ, फूस और सरकंडों से। ये बहुत पुराने समय की बात हो रही है बेटा, ठीक है। फूस और सरकंडों से उस समय जो है मकान बने होते थे, वो भी कच्चे मकान। लेकिन अभी के मकान बता सकते हो बेटे? अभी किस चीज के मकान बनते हैं? मकान हाँ, ईंट बालू गिट्टी पत्थर, हाँ सीमेंट, हाँ इन सभी चीजों के प्रमाण। लेकिन आप पहले जब ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक का समय देखते हैं, ऋग वैदिक नहीं उत्तर वैदिक में, तो उस समय जो है फूस और सरकंडे का प्रयोग होता था। बहुत अच्छा, आप लोगों का 9 प्रश्नों का संकलन हो गया है। चलते एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं बेटे। ये प्रश्न आपके बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, 10 नंबर का प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग जब बड़े होइएगा तो ऐसे प्रश्न देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको संकलन करना चाहिए। और आप जो टीवी मोबाइल देखते हैं, ठीक है, बहुत सारा चीज़ देखते रहते हैं, इससे बढ़िया है कि आप इस वीडियो का रिवीजन कर सकते हैं घर में चला के, आपको याद भी हो जाएगा, कॉपी भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 5 मिनट में आप सोते सोते मोबाइल खोल के सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा सारा चीज़। आप करके देखिएगा, आपको कॉपी भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, बोरिंग भी नहीं होगा, ठीक है, आपको याद हो जाएगा।
आप ऐसा कीजिएगा, मोबाइल का मोबाइल देख लिए, ठीक है, और आपको याद का याद हो गया, ठीक है, आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, ठीक है। ऐसा काम हमको करना चाहिए। तो बच्चों हम दसवां प्रश्न करते हैं, उत्तरवादी काल में मिट्टी के बर्तन जो है किस नाम से जाने जाते थे? चित्रित धूसर पात। चित्रित धूसर पात, बहुत अच्छा जवाब, जोरदार ताली इनके लिए। वेरी गुड, चित्रित धूसर पात्र, ठीक है, इसको चित्रित धूसर भान भी बोलते हैं, मतलब उस समय जो बर्तन जो बेटे बनते थे उनको जो है कलर कर दिया जाता, उसको जो है चित्र बना दिया जाता था। क्या बनाया जाता था? चित्र बना दिया जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार आज का जो है अध्याय 6 का क्लास जो है हमारा समाप्त हुआ, ठीक है, और पुनः हम कल जो है अगले क्लास में मिलते हैं अलग प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक्स, गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। हाँ बहुत अच्छा बेटे, तो अन्य दिनों की अपेक्षा फिर से आज हम आपके अतीत से वर्तमान पुस्तक के अध्याय 6 का जो टॉपिक है जीवन के विभिन्न आयाम, उस पर हम चर्चा करेंगे। पुनः हमारे पास 10 प्रश्नों का संकलन है और आज हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। हमें आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग आज पढ़ाई करके आए होंगे और पिछले कक्षा के भांति आज भी अच्छी तरह से जवाब देकर मुझे काफ़ी खुशी देंगे। और आइए अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है बेटा कि ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के नाम क्या थे? इंद्र, अग्नि और सौर। बहुत अच्छा जवाब, जोरदार ताली इनके लिए। हाँ सही जवाब इन्होंने बताया, ऋग्वैदिक कालीन देवताओं के नाम जो थे बेटे, इंद्र, अग्नि और सोम। इंद्र जो है युद्ध का देवता माना जाता था, किसका देवता माना जाता था? युद्ध का देवता माना जाता था। और अग्नि जो है वो आग का देवता, अग्नि किसका देवता माना जाता था? आग का देवता माना जाता था। और सोम जो है, सोम एक विशेष प्रकार का पौधा होता था, इससे जो है रस निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है? रस। तो ऋग्वैदिक कालीन देवता इन्हीं के नाम पर थे, इंद्र, अग्नि और सोम। अगर हम आज की बात करें तो आज के विभिन्न हिंदू देवी देवताओं के नाम जैसे लक्ष्मी, दुर्गा, काली, सरस्वती, ये विभिन्न जो है जैसे बजरंगबली, ये हिंदू देवी देवताओं के नाम है, लेकिन हम ऋग्वैदिक कालीन में देखते हैं तो देवताओं के नाम बिल्कुल भिन्न है। बहुत अच्छा, आज हम दूसरा प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। आर्य भारत में कितने सामाजिक वर्गों में विभाजित थे? आर्य भारत में तीन सामाजिक वर्गों में विभाजित, तो कौन कौन थे बेटा? योद्धा, पुरोहित, योद्धा, पुरोहित और साधारण। वेरी गुड, योद्धा, पुरोहित और साधारण, जोरदार ताली इनके लिए भी। योद्धा, पुरोहित और साधारण लोग। तो योद्धा का काम क्या था बेटा? ये लड़ाई करते थे, ये समाज के सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये लड़ाई का काम किया करते थे, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए हम तीसरा प्रश्न लेते हैं कि ऋग्वेद में समाज कितने वर्णों में बटा हुआ था? चार वर्णों में, कौन कौन सा वर्ण बेटा? वेरी गुड, जोरदार ताली इनके लिए। ऋग्वेद में जो है समाज चार वर्णों में बटा हुआ था, जो इस प्रकार है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बेटे तो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ हम ये बताना चाहते हैं, ये जो चार वर्ण थे
वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में ये पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाए थे। ठीक है, ब्राह्मण का काम आपको पता है ज्ञान बांटना, ठीक है, क्षत्रिय जो राजन्य कहलाते थे लड़ाई करना, लड़ाई का काम करते थे, बस खरीद बिक्री, खरीद बिक्री सामान को इधर से इधर खरीद के बेचना, यह वैश्य का काम होता था। और शूद्र जो है बाकी बचे हुए काम, तीनों लोगों का जो है सेवा करते थे, कौन? शूद्र। ये तो ये चार वर्ण मैंने बताया आपको। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में राजन्य किसे कहा जाता था? क्षत्रिय योद्धा। किनको बोला जाता? क्षत्रिय योद्धा। वेरी गुड, जोरदार तालियों के लिए। क्षत्रिय या योद्धा, बहुत अच्छा। चलिए आइए हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में लोगों का मुख्य पेशा क्या था? कृषि। वेरी गुड, कृषि, जोरदार तालियों के लिए भी। कृषि, उत्तर वैदिक काल में लोगों का मुख्य पेशा कृषि था। यहां पर हम एक चीज बताना चाह रहे हैं बच्चों कि मैंने ऋग वैदिक काल में पढ़ा था कि वहां पर लोगों का मुख्य पेशा क्या था ऋग वैदिक काल में? नहीं, ऋग वैदिक काल में हम पूछ रहे हैं लोगों का मुख्य पेशा क्या था। वेरी गुड, ऋग वैदिक काल में पशुपालन था और उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? कृषि। यानी पहले की अपेक्षा लोग और अधिक अच्छे ढंग से रहना शुरू कर रहे थे उत्तर वैदिक काल में। उत्तर का मतलब बाद में, ठीक है, ऋग्वेद के बाद का जो काल आया वो क्या कहलाया? उत्तर वैदिक काल। तो पहले लोग ऋग वैदिक काल में पशुपालन करते थे और उत्तर वैदिक काल में कृषि का कार्य करने लगे। ठीक है, बहुत अच्छा, समय का ध्यान है पढ़ाई की तरफ। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। इन वैदिक काल में एक बहुत बड़ा बदलाव आया बच्चों धातु के क्षेत्र में। आइए हम देखते हैं इससे संबंधित एक प्रश्न बच्चों। लौह युग का आरंभ कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। लौह युग का आरंभ कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। वेरी गुड, जोरदार तालियों के लिए। उत्तर वैदिक काल में। अब ये क्या बात है, अपने बटन उटन ऊपर का नहीं लगा, क्या बात है? हाँ, नहीं नहीं ये बात गलत बात है, ठीक है, बटन तो लगाना चाहिए क्या? नहीं अच्छा नहीं लगता क्लास में ना, वो आगे वाला बेंच पे बैठे हुए तो कल इस देखो कि आईना वगैरह देख के आना है, ठीक है, कि बटन मेरा ठीक है कि नहीं, बाल मेरा ठीक है कि नहीं, ठीक है, कहीं कपड़े में दाग तो नहीं लगा हुआ है, इन सभी चीज़ को हम लोग को देखना चाहिए, ठीक है, तभी क्लास में। ठीक है, बहुत अच्छा है, उन्होंने जवाब दिया। चलिए सातवां प्रश्न लोग देखते हैं। उत्तर वैदिक कालीन किन पुरास्थलों में लोहे के अस्त्र शस्त्रों के प्रमाण मिले हैं? हाँ हाँ, बहुत सुंदर जवाब, जोरदार तालियों के लिए बेटे। उत्तर वैदिक कालीन पुरास्थलों में हम लोहे के जो है अस्त्र शस्त्रों का प्रमाण देखने लगते हैं। कुछ ऐसे जगह हैं जहां प्रमाण मिले हैं, वो कौन कौन से जगह है? आलमगीरपुर, अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर। ठीक है, तो इन जगहों में जो है हमको लोहे के प्रमाण मिलने लगते हैं, तभी हम कह रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में लोहे का जो है अस्त्र शस्त्र बनने लगा, लोग प्रयोग। इससे क्या फायदा हुआ वो कोई बताओगे? लोहे के प्रमाण शुरू होने से क्या हुआ बेटा कि जंगल की सफाई तेजी से होने लगी। पहले लोग पत्थरों का इस्तेमाल करते थे जंगल को हटाने के लिए, लेकिन जब लोहे का आविष्कार हो गया तो जंगलों की सफाई बड़ा तेजी से होने लगा और लोग जमीन को खेत में बदलने लगे और लोग खेती करना शुरू करने लगे। ये हुआ लोहे का फायदा। ठीक है बेटे, गप नहीं करते, फालतू बात नहीं करते, ठीक है। हाँ देखे, प्रश्न नंबर 8 की हम चर्चा करेंगे। वैदिक काल में चार वर्णों का वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। वेरी गुड, ऋग्वेद, जोरदार तालियों के लिए। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जो है चार, हाँ पुरुष सूक्त में चार वर्णों का वर्णन मिलता है, बहुत अच्छा जवाब। चलिए 9 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के लोगों में मकान किस चीज के होते थे? किसके जिसका? हाँ, फूस और सरकंडों से। ये बहुत पुराने समय की बात हो रही है बेटा, ठीक है,
फूस और सरकंडों से उस समय जो है मकान बने होते थे, वो भी कच्चे मकान। लेकिन अभी के मकान बता सकते हैं बेटे? अभी किस चीज के मकान बनते हैं? मकान ईंट बालू गिट्टी पत्थर हाँ सीमेंट हाँ इन सभी चीजों के प्रमाण। लेकिन आप पहले जब ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक का समय देखते हैं, ऋग वैदिक नहीं उत्तर वैदिक में, तो उस समय जो है फूस और सरकंडे का प्रयोग होता था। बहुत अच्छा, आप लोगों का 9 प्रश्नों का संकलन हो गया है। चलते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं बेटे। ये प्रश्न आपके बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, 10 नंबर का प्रश्न, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आप लोग भी जब बड़े होइएगा तो ऐसे प्रश्न देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको संकलन करना चाहिए। और आप जो टीवी मोबाइल देखते हैं, ठीक है, बहुत सारा चीज़ देखते रहते हैं, इससे बढ़िया है कि आप इस वीडियो का रिवीजन कर सकते हैं घर में चला के, आपको याद भी हो जाएगा, कॉपी भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? 5 मिनट में आप सोते सोते मोबाइल खोल के सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा सारा चीज़, आप करके देखिएगा, आपको कॉपी भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, बोरिंग भी नहीं होगा, ठीक है? आपको याद हो जाएगा। आप ऐसा कीजिएगा, मोबाइल का मोबाइल देख लिए, ठीक है, और आपको याद का याद हो गया, ठीक है, आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, ठीक है? तो ऐसा काम हमको करना चाहिए। तो बच्चों हम 10वां प्रश्न करते हैं, उत्तर वैदिक काल में मिट्टी के बर्तन जो है किस नाम से जाने जाते थे? चित्रित धूसर पात। चित्रित धूसर पात, बहुत अच्छा जवाब, जोरदार ताली इनके लिए। वेरी गुड, चित्रित धूसर पात, ठीक है, इसको चित्रित धूसर भान भी बोलते हैं। मतलब उस समय जो बर्तन जो बेटे बनते थे उनको जो है कलर कर दिया जाता, उसको जो है चित्र बना दिया जाता था। क्या बनाया जाता था? चित्र बना दिया जाता था, ठीक है? तो इस प्रकार आज का जो है अध्याय 6 का क्लास जो है हमारा समाप्त हुआ, ठीक है? और पुनः हम कल जो है अगले क्लास में मिलते हैं अलग प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, थैंक्स, गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। हाँ बहुत अच्छा बेटे, तो अन्य दिनों की अपेक्षा फिर से आज हम आपके अतीत से वर्तमान पुस्तक के अध्याय 6 का जो टॉपिक है जीवन के विभिन्न आयाम, उस पर हम चर्चा करेंगे। पुनः हमारे पास 10 प्रश्नों का संकलन है और आज हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। हमें आशा है, नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग आज पढ़ाई करके आए होंगे और पिछले कक्षा के भांति आज भी अच्छी तरह से जवाब देकर मुझे काफ़ी खुशी देंगे। और आइए अब हम लोग क्लास शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है बेटा, ऋग वैदिक कालीन देवताओं के नाम क्या थे? इंद्र, अग्नि और सौम। बहुत अच्छा जवाब, जोरदार ताली इनके लिए। हाँ सही जवाब उन्होंने बताया, ऋग वैदिक कालीन देवताओं के नाम जो थे बेटे, इंद्र, अग्नि और सोम। इंद्र जो है युद्ध का देवता माना जाता था। किसका देवता माना जाता था? युद्ध का देवता माना जाता था। और अग्नि जो है वो आग का देवता, अग्नि किसका देवता माना जाता था? आग का देवता माना जाता था। और सोम जो है, सोम एक विशेष प्रकार का पौधा होता था, इससे जो है रस निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? रस। तो ऋग्वैदिक कालीन देवता इन्हीं के नाम पर थे, इंद्र, अग्नि और सोम। अगर हम आज की बात करें तो आज के विभिन्न हिंदू देवी देवताओं के नाम जैसे लक्ष्मी, दुर्गा, काली, सरस्वती, ये विभिन्न जो है जैसे बजरंगबली, ये हिंदू देवी देवताओं के नाम है। लेकिन हम ऋग्वैदिक कालीन में देखते हैं तो देवताओं के नाम बिल्कुल भिन्न है। बहुत अच्छा, आज हम दूसरा प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। आर्य भारत में कितने सामाजिक वर्गों में विभाजित थे? तीन। आर्य भारत में 3 सामाजिक वर्गों में विभाजित, तो कौन कौन थे बेटा? योद्धा, पुरोहित,
योद्धा, पुरोहित और साधारण। वेरी गुड, योद्धा, पुरोहित और साधारण। जोरदार ताली इनके लिए भी। योद्धा, पुरोहित और साधारण लोग। तो योद्धा का काम क्या था बेटा? ये लड़ाई करते थे, ये समाज के सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये लड़ाई का काम किया करते थे। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए हम तीसरा प्रश्न लेते हैं कि ऋग्वेद में समाज कितने वर्णों में बटा हुआ था? चार। चार वर्णों में, कौन कौन सा वर्ण बेटा? वेरी गुड, जोरदार ताली इनके लिए। ऋग्वेद में जो है समाज चार वर्णों में बटा हुआ था, जो इस प्रकार है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बेटे तो एक महत्वपूर्ण बात यहाँ हम ये बताना चाहते हैं, ये जो चार वर्ण थे वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, ये पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाए थे। ठीक है, ब्राह्मण का काम आपको पता है ज्ञान बांटना, ठीक है, क्षत्रिय जो राजन्य कहलाते थे लड़ाई करना, लड़ाई का काम करते थे, वैश्य खरीद बिक्री सामान को इधर से इधर खरीद के बेचना, यह वैश्य का काम होता था। और शूद्र जो है बाकी बचे हुए काम, तीनों लोगों का जो ये सेवा करते थे, कौन? शूद्र। ये तो ये चार वर्ण मैंने बताया आपको। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में राजन्य किसे कहा जाता था? क्षत्रिय योद्धा। किनको बोला जाता? क्षत्रिय योद्धा। वेरी गुड, जोरदार ताली इनके लिए। क्षत्रिय या योद्धा, बहुत अच्छा। चलिए आइए हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में लोगों का मुख्य पेशा क्या था? वेरी गुड, कृषि, जोरदार ताली इनके लिए भी। कृषि, उत्तर वैदिक काल में लोगों का मुख्य पेशा कृषि था। यहां पर हम एक चीज बताना चाह रहे हैं बच्चों कि मैंने ऋग वैदिक काल में पढ़ा था कि वहां पर लोगों का मुख्य पेशा क्या था ऋग वैदिक काल में? नहीं, ऋग वैदिक काल में हम पूछ रहे हैं लोगों का मुख्य पेशा क्या था। वेरी गुड, ऋग वैदिक काल में पशुपालन था और उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? कृषि। यानी पहले की अपेक्षा लोग और अधिक अच्छे ढंग से रहना शुरू कर रहे थे उत्तर वैदिक काल में। उत्तर का मतलब बाद में, ठीक है, ऋग्वेद के बाद का जो काल आया वो क्या काल आया? उत्तर वैदिक काल। तो पहले लोग ऋग्वैदिक काल में पशुपालन करते थे और उत्तर वैदिक काल में कृषि का कार्य करने लगे। ठीक है, बहुत अच्छा, समय का ध्यान है पढ़ाई की तरफ। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। इन वैदिक काल में एक बहुत बड़ा बदलाव आया बच्चों धातु के क्षेत्र में। आइए हम देखते हैं इससे संबंधित एक प्रश्न बच्चों। लौह युग का आरंभ कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। लौह युग का आरंभ कब हुआ? उत्तर वैदिक काल में। वेरी गुड, जोरदार ताली इनके लिए। उत्तर वैदिक काल में। भाव ये क्या बात है, अपने बटन उटन ऊपर का नहीं लगा, क्या बात है? हाँ नहीं नहीं ये बात गलत बात है, ठीक है, बटन तो लगाना चाहिए क्या? नहीं अच्छा नहीं लगता क्लास में ना, वो आगे वाला बेंच पे बैठे हुए, तो कल इस देखूँ कि आईना वगैरह देख के आना, ठीक है, कि बटन मेरा ठीक है कि नहीं, बाल मेरा ठीक है कि नहीं, ठीक है, कहीं कपड़े में दाग तो नहीं लगा हुआ है, इन सभी चीज़ को हम लोग को देखना चाहिए, ठीक है, तभी क्लास में। ठीक है, बहुत अच्छा है, उन्होंने जवाब दिया। चलिए सातवां प्रश्न लोग देखते हैं। उत्तर वैदिक कालीन किन पुरास्थलों में लोहे के अस्त्र शस्त्रों के प्रमाण मिले हैं? हाँ हाँ, बहुत सुंदर जवाब, जोरदार ताली के लिए। बेटे उत्तर वैदिक कालीन पुरास्थलों में हम लोहे के जो है अस्त्र शस्त्रों का प्रमाण देखने लगते हैं। कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ प्रमाण मिले हैं, तो कौन कौन से जगह हैं? आलमगीरपुर, अतरंजी खेड़ा और हस्तिनापुर। ठीक है, तो इन जगहों में जो है हमको लोहे के प्रमाण मिलने लगते हैं, तभी हम कह रहे हैं कि उत्तर वैदिक काल में
लोहे का जो है अस्त्र बनने लगा लोग प्रयोग। इससे क्या फायदा हुआ आप बताओगे? लोहे के परमाणु शुरू होने से क्या हुआ बेटा कि जंगल की सफाई अब तेजी से होने लगी। पहले लोग पत्थरों का इस्तेमाल करते थे जंगल को हटाने के लिए, लेकिन जब लोहे का आविष्कार हो गया तो जंगलों की सफाई बड़ा तेजी से होने लगा और लोग जमीन को खेत में बदलने लगे और लोग खेती करना शुरू कर दिए। ये हुआ लोहे का फायदा। ठीक है बेटे, गप नहीं करते, फालतू बात नहीं करते, ठीक है। हाँ देखे, प्रश्न नंबर 8 की हम चर्चा करेंगे। वैदिक काल में चार वर्णों का वर्णन कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के सूर सूक्त में। वेरी गुड, ऋग्वेद, जोरदार ताली इनके लिए। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जो है चार, हाँ पुरुष सूक्त में चार वर्णों का वर्णन मिलता है। बहुत अच्छा जवाब। चलिए 9 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। उत्तर वैदिक काल के लोगों में मकान किस चीज के होते थे? किसके जिसका? हाँ, फूस और सरकंडों से। ये बहुत पुराने समय की बात हो रही है बेटा, ठीक है। फूस और सरकंडों से उस समय जो है मकान बने होते थे, वो भी कच्चे मकान। लेकिन अभी के मकान बता सकते हो बेटे? अभी किस चीज के मकान बनते हैं? मकान ईंट, बालू, गिट्टी, पत्थर, हाँ सीमेंट, हाँ इन सभी चीजों के प्रमाण। लेकिन आप पहले जब ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक का समय देखते हैं, ऋग्वेद नहीं उत्तर वैदिक में, तो उस समय जो है फूस और सरकंडे का प्रयोग होता था। बहुत अच्छा, आप लोगों का 9 प्रश्नों का संकलन हो गया है। चलते एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं बेटे। ये प्रश्न आपके बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं, 10 नंबर का प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग जब बड़े होइएगा तो ऐसे प्रश्न देखिएगा, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको संकलन करना चाहिए। और आप जो टीवी मोबाइल देखते हैं, ठीक है, बहुत सारा चीज़ देखते रहते हैं, इससे बढ़िया है कि आप इस वीडियो का रिवीजन कर सकते हैं घर में चला के, आपको याद भी हो जाएगा, कॉपी भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 5 मिनट में आप सोते सोते मोबाइल खोल के सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा सारा चीज़। आप करके देखिएगा, आपको कॉपी भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, बोरिंग भी नहीं होगा, ठीक है, आपको याद हो जाएगा। आप ऐसा कीजिएगा, मोबाइल का मोबाइल देख लिए, ठीक है, और आपको याद का याद हो गया, ठीक है, आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी, ठीक है। ऐसा काम हमको करना चाहिए। तो बच्चों हम 10वां प्रश्न करते हैं। उत्तर वैदिक काल में मिट्टी के बर्तन जो है किस नाम से जाने जाते थे? चित्रित धूसर पात। चित्रित धूसर पात, बहुत अच्छा जवाब, जोरदार ताली इनके लिए। वेरी गुड, चित्रित धूसर पात, ठीक है। इसको चित्रित धूसर भान भी बोलते हैं, मतलब उस समय जो बर्तन जो बेटे बनते थे उनको जो है कलर कर दिया जाता, उसको जो है चित्र बना दिया जाता था। क्या बनाया जाता था? चित्र बना दिया जाता था, ठीक है। तो इस प्रकार आज का जो है अध्याय 6 का क्लास जो है हमारा समाप्त हुआ, ठीक है। और पुनः हम कल जो है अगले क्लास में मिलते हैं अलग प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स।